भारतीय क्रिकेट को वैश्विक बुलंदियों पर पहुंचाने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने के बाद से भारतीय क्रिकेट एक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ टीम में जहां गुटबाजी ने माहौल खराब कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर अनुशासनहीनता टीम में समस्याओं की मुख्य वजह है। ऐसे में भारतीय टीम का प्रदर्शन ICC टूर्नामेंट्स में लगातार गिरता दिखा है, जिसके चलते उठ रहे सवालों के कारण विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। इसके विपरीत TFI आपको बता चुका है कि कैसे विराट का यह इस्तीफा स्वेच्छा से नहीं, अपितु उनके प्रदर्शन एवं रवैये के आधार पर BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली के इशारे पर आया। एक तरफ विराट का इस्तीफा आया है, तो वहीं दूसरी ओर अब टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री का BCCI के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में अब नई खबर आ रही है कि कोच का पद भारतीय क्रिकेट के दिग्गज स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले को मिल सकता है। इसमें BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली का भी हाथ माना जा रहा है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है। मैं अभिनव आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे दादा की दादागिरी 2.0 का आरंभ हो चुका है और कोहली के T20 इस्तीफे के बाद अब कुंबले को टीम में कोच बनाया जा सकता है, तथा यह भी बताऊंगा कि कैसे कुंबले का आना कोहली के अड़ियल रवैये के खात्मे का कारण बन सकता है। MS धोनी के जाने के बाद अगर भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये को देखें तो यह स्पष्ट है कि टीम में संतुलन नाम की कोई चीज ही नहीं है। रोहित शर्मा से विराट का टकराव इस कदर है कि टीम इंडिया गुटबाजी में फंस कर रह गई है। यह कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि विराट कोहली एक अच्छे बल्लेबाज हैं, जो लासित मलिंगा से लेकर मिशेल स्टार्क जैसे गेंदबाज के लिए 22 गज की पिच पर काल बनकर उतरते हैं, किंतु बल्लेबाजी से इतर एक कप्तान के तौर पर कोहली पूर्णतः असफल है। उनके रहते भारतीय टीम ने एक भी ICC का टूर्नामेंट नहीं जीता है, वहीं फाइनल जैसे अहम मैचों में टीम फिसड्डी या चोकर्स ही साबित होती है। ऐसे में लगातार हो रही आलोचनाओं के चलते विराट ने T20 की कप्तानी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये इस्तीफा यकीनन विराट ने BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली अर्थात दादा की दादागिरी के दबाव में दिया है। ऐसा नहीं है कि कप्तानी जाने के बाद विराट की मुश्किलें कम हो जाएंगी, बल्कि अब ये माना जा रहा है कि दादा की इस दादागिरी का प्रकोप अनुशासनहीन विराट की लगातार मुश्किलें बढ़ाएगा। इसकी वजह यह है कि दादा अब रवि शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद एक बार फिर से कोच पद के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बड़े मैच जिताऊ खिलाड़ी अनिल कुंबले यानी जंबो की सिफारिश कर सकते हैं। एक टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले की प्रतिभा का कोई सानी नहीं है। यही कारण है कि अनिल कुंबले को 2016-17 के एक वर्षीय कार्यकाल के लिए मुख्य कोच बनाया गया था, वह भी CIC की सिफारिशों पर। बता दें कि BCCI ने भारतीय क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए CIC अर्थात क्रिकेट इम्प्रूवमेंट कमेटी बनाई थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण के अलावा दादा यानी सौरव गांगुली भी थे। तभी ने मांग की थी कि कुंबले को ही कोच बनाया जाए। तब कुंबले को कोच बनाया भी गया था, परंतु कुंबले का सख्त एवं अनुशासनात्मक रवैया कप्तान कोहली को रास नहीं आता था। कोहली का मानना था कि कोच कोई कूल एवं नई सोच वाला बने। नतीजा ये हुआ कि रवि शास्त्री जैसे एक फ्लॉप पूर्व भारतीय खिलाड़ी को टीम का कोच बना दिया गया, जो कि कुंबले के मुकाबले कहीं नहीं थे। तब गांगुली समेत कमेटी के सदस्य लोकप्रिय तो थे, किंतु इतने मजबूत नहीं थे कि इनकी BCCI में कोहली से अधिक सुनवाई होती। वह तुरंत ही कैब से राष्ट्रीय स्तर पर आए थे। सौरभ यह बात जानते हैं कि अनिल कुंबले को एक कुशल नेतृत्वकर्ता माना जाता है। उनको लेकर यह भी कहा जाता है कि वो टेस्ट मैचों में भारत के सबसे बड़े मैच विनर हैं। रवि ना ही बेहतर खिलाड़ी थे और ना ही कोच, बावजूद इसके उनके स्थान पर रवि शास्त्री को कोच बनाया गया था। तब से विराट की मनमानियों का आरंभ हुआ था। तब से लेकर भारतीय टीम एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, परंतु अब दादा की दादागिरी भी प्रारंभ हो चुकी है। जिस समय कुंबले को हटाया गया था, तब दादा के पास प्रशासनिक शक्ति नहीं थी, परंतु अब वह BCCI के प्रेसिडेंट हैं और वह अपने तरीके से फैसले ले सकते हैं, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। कोहली और शास्त्री की जुगलबंदी में बर्बाद हो रहे भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली अब अपनी पूरी धाक के साथ उतर आए हैं। ये माना जा रहा है कि उनके कहने पर ही कोहली ने इस्तीफा दिया था। ऐसे में दादा की दादागिरी का नया अध्याय आरंभ हो चुका है, क्योंकि कुंबले को वापस लाने का जो काम CIC के सदस्य रहते कमजोर स्थिति के चलते दादा उस वक्त नहीं कर पाए थे, उसे अब अंजाम दे सकते हैं। दादा की इस दादागिरी के कारण ये कहा जा सकता है कि अब भारतीय टीम के कोच का पद पुनः अनिल कुंबले के पास जा सकता है। इसके विपरीत ये फैसला कोहली के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोहली समेत अन्य युवा भारतीय खिलाड़ी खराब प्रदर्शन के बावजूद मीडिया में दिखते हैं और कॉफी विद करण जैसे शोज पर फूहड़ एवं अश्लील बातें करते दिख जाते हैं,
वो सारी अनुशासनहीनता कुंबले एक झटके में ही समाप्त कर देंगे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो दादा की दादागिरी के बाद जंबो कोहली को अनुशासन सिखा सकते हैं, जो न केवल उनके क्रिकेट के लिए आवश्यक होगा बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए भी एक नया उदय साबित हो सकता है। कुंबले की वापसी से एक बार फिर से विराट के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, जिसके बाद उन्हें बाकी फॉर्मेट की कप्तानी से भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। इससे किसी अन्य खिलाड़ी जैसे ओडीआई में रोहित और टेस्ट मैच में रहाणे के कप्तान बनने के लिए रास्ता भी साफ हो जाएगा। सीआईसी के सदस्य के तौर पर दादा समेत सचिन, राहुल एवं लक्ष्मण की इच्छा के अनुसार जो काम नहीं हो पाए थे, वो काम वापसी के बाद दादा अब आक्रामक रवैये से कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि उनकी ताकत पहले से अब अधिक है। राजनीतिक रूप से मजबूत होने के अलावा उनके पास बीसीसीआई अध्यक्ष का पद भी है, जो कि कोहली के लिए लगातार चुनौती बन रहा है। कोहली के बेहतरीन खेल के विपरीत उनका रवैया एवं कप्तानी के मुद्दे पर मनमानापन उन्हें सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहा है, और गांगुली कोहली की इस कार्यशैली पर लगातार अपनी दादागिरी से अनुशासन का आवश्यक चाबुक चला रहे हैं।